اللهم صل على سيدنا محمد. हदीस मुबारका में आता है, इस उम्मत का एक बंदा होगा जिसके नाम अमाल में बड़े बड़े गुनाह होंगे, अल्लाह उसको अपने पास बुलाएंगे और उसके गिर्द नूर की चादर तान देंगे, जैसे कनात लगा दी जाती है, मखलूक उसको नहीं देख सकेगी। अल्लाह उस बंदे को फरमाएंगे, मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया, वो कहेगा या अल्लाह किया, ये भी गुनाह किया, किया ये भी किया, सारे गुनाह गिनवाएंगे, हत्ता के वो बंदा सोचने लगेगा मेरे इतने गुनाह गिनवाए गए हैं, आज जहन्नम से मैं नहीं बच सकता। मगर अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदे तूने गुनाह तो किए मगर तू दुनिया में मुझसे माफिया भी मांगता रहता था, चल मैंने तेरी तौबा को कबूल करके तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। जब उसके गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे और नूर की चादर हटेगी तो सारी दुनिया देखेगी उस बंदे के नामे अमाल में कोई गुनाह ही नहीं लिखा होगा, तो लोग आपस में बातें करेंगे, ये शायद अंबिया में से कोई नबी है जिसने मासूम जिंदगी गुजारी और इसका कोई गुनाह भी नहीं, हालांकि वो इस उम्मत के गुनाहगार बंदा होगा, अल्लाह अपनी रहमत के साथ उसकी सतरपोशी फरमा देंगे। ऐसा एक नेकी और होती तो तेरे गुनाह और नेकियां बराबर होती, अल्लाह अपनी रहमत से तुझे जन्नत भेज देते। अब तेरा एक गुनाह ज्यादा है, एक नेकी कम है, वो कहेगा अच्छा मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं एक नेकी की चीजें उधार ले लेता हूं, उसको खास तौर पर इसकी इजाजत मिलेगी। चुनाचे वो बंदा सबसे पहले अपने भाई के पास आएगा, ऐ मेरे भाई, मैं और आप दोनों ताजिर थे और जमात में लगे हुए थे और हम एक दूसरे का तआवुन करते थे, तेरे ऊपर कर चढ़ जाता था तो मैं बेल आउट कर देता था, मुझ पे कर जाता था तो मेरी मदद कर देता था, हम एक दूसरे का तआवुन करके इतनी अच्छी जिंदगी गुजार आए। लोग कहते थे ये भाई कम है दोस्त ज्यादा है, हमने सारी जिंदगी इतनी अच्छी गुजारी, ऐ भाई तेरे पास तो नेकियां बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ एक आज एक नेकी मुझे दे दो। भाई कहेगा नहीं, जब तक मेरा अपना हिसाब नहीं हो जाता मैं तो डर रहा हूं, मैं उस वक्त तक एक नेकी भी नहीं दे सकता, तो भाई एक नेकी देने से इनकार कर देगा। फिर वो अपनी अम्मी के पास आएगा, अम्मी आप तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो कहती थी बेटा तुझे गर्म हवा भी न लगे, धूप भी न लगे, और मैं तेरे ऊपर कुर्बान, और मैं सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान कर दूंगी। आपकी मोहब्बत का तो ये आलम था, आपके नामे अमाल में तो बहुत नेकियां हैं और मुझे एक नेकी की जरूरत है, अम्मी एक नेकी मुझे दे दे। मां कहेगी बेटा जब तक मेरा अपना हिसाब नहीं हो जाता मैं एक नेकी भी नहीं दे सकती, मैं अपने अंजाम से डरती हूं। फिर वो अपने वालिद से नेकियां मांगेगा, वालिद भी कहेगा कि नहीं बेटा जब तक मेरा हिसाब नहीं हो जाता मैं एक नेकी भी नहीं दे सकता। फिर वो अपनी बीवी के पास आएगा, मैंने आपको कितनी मोहब्बत से रखा, आपको मैंने कितने जो है वो जो है ना मतलब है दुनिया के अंदर नियमतें दी और मैंने बहुत मोहब्बत प्यार की जिंदगी आपके साथ गुजारी और आप तो मेरे ऊपर कुर्बान होती थी और बड़ी मोहब्बत के दावे करती थी और आप तो नेक परदेदार खातून थी, आपके नामे अमाल में बहुत नेकी हैं, एक नेकी मुझे दे दो प्लीज, एक नेकी ना दोगी मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। बीवी कहेगी जब तक मैं खुद मेरा हिसाब नहीं हो जाता मैं एक नेकी भी नहीं दे सकती। फिर वो बंदा और परेशान होगा, फिर वो अपने बेटों को कहेगा, मेरे बेटों मैंने दुनिया में कितने प्यार से तुम्हें पाला, सा तालीम दी, दीन पे लगाया, तुम लोग आलिम बने, जमात में गए, जिक्र अज़कार करने वाले सालिक बन गए, तुम्हारे नाम अमाल नेकियों से भरे हुए हैं, एक नेकी मुझे दे दो। बेटे भी इनकार कर देंगे, उस वक्त उस आदमी को बड़ा दुख होगा। अल्लाह फरमाते हैं हमने तो पहले ही बता दिया, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी। वो बंदा बहुत रोएगा, बड़ा दुखी होगा, जब वो रो रहा होगा ना उसके करीब से एक और आदमी गुजरेगा, वो पूछेगा फरिश्ते से ये बंदा क्यों रो रहा है, वो कहेगा इसको एक नेकी की जरूरत है और करीबी रिश्तेदारों ने जो लव्ड वन थे उन्होंने नेकी देने से इनकार कर दिया, ये गम से रो रहा है। वो कहेगा अच्छा नामे अमाल में मेरे एक नेकी है, वो नेकी इसको दे दो, ये तो
जन्नत में चला जाए। ये जो एक बंदा दूसरे को एक नेकी देगा, ये इतना बड़ा मामला होगा कि क्यामत के मजमे में ऐलान किया जाएगा, फलां बंदे ने अपनी एक नेकी दूसरे को दे दी। जब अल्लाह ताला ये ऐलान सुनेंगे, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेंगे, कौन है जो दुनिया में अपनी सखावत दिखाता है आज के दिन, तो फरिश्ता उस बंदे को पेश करेगा, या अल्लाह इसने अपनी नेकी दी। अल्लाह उससे पूछेंगे कि तूने एक नेकी क्यों दे दी, वो कहेगा या अल्लाह मेरे नामे अमाल में सिर्फ थी ही एक नेकी, मैंने तो जहन्नम में जाना ही था, तो मैंने सोचा मेरी नेकी देने से अगर ये जन्नत में जा सकता है तो ये जन्नत चला जाए, मैं जहन्नम में जा ही रहा हूं। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा तू बंदा होके अपनी ऐसी सखावत दिखाता है, सखावत तो दिखाने की शान मेरे अंदर है, मैं अपनी सखावत दिखाता हूं, मैं तुझे और इस बंदे दोनों को जन्नत अता फरमा दूं।